हेलो बच्चों, आज की एक्टिविटी है मैग्नेटाइजर और डीमैग्नेटाइजर बनाना। तो इसके लिए मैंने एक चुंबक लिया है, ये पेंचकस है और साथ में एक लोहे का पेंच है। तो अब देखिए कैसे चुंबक जो है लोहे के पेंच को अपनी तरफ खींच लेता है। और अब पेंचकस को मैं इसके पास लेके जाऊंगी तो ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि कैसे अपने पेंचकस को मैग्नेटाइज यानी उसको चुंबक बना सकते हैं। तो इसके लिए चुंबक को हाथ में पकड़कर मैं पेंचकस को उसके ऊपर इस तरीके से रगड़ रही हूँ और अब देखिए कैसे ही इसने पेंच को अपनी तरफ खींच लिया, यानी ये मैग्नेटाइज हो गया है, चुंबक बन गया है। और अब इसी पेंचकस को मैं क्या करूँगी कि ये जो रिंग मैग्नेट के बीच में खाली जगह है इसके बीच में थोड़ी देर आगे पीछे इसको लेकर जाऊँगी और फिर इसको दोबारा से मैं पेंच के पास लेके जाऊंगी। तो अब देखिए अब ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, ये डीमैग्नेटाइज हो गया, चुंबकीय शक्ति खत्म हो गई। तो इसको हम अब दोबारा करके देख लेते हैं कि अब ये मैग्नेटाइज हो गया और बीच में ले जाने पर ये फिर से डीमैग्नेटाइज हो जाता है। तो इसको मैं दो चुंबकों के साथ भी बना सकती हूँ कि दो चुंबक मैंने इस प्रकार से रखने हैं कि इनके जो एक जैसे ध्रुव हैं वो एक दूसरे की तरफ रहें, यानी कि इनके बीच में रिपल्शन रहे। तो अब देखिए जब मैं पेंचकस को इन दोनों चुंबकों के बीच में ऐसे आगे पीछे कर रही हूँ तो ये मैग्नेटाइज हो गया, चुंबक बन गया। और अब इसको मैं ऊपर की तरफ इसको आगे पीछे कर रही हूँ तो अब ये डीमैग्नेटाइज हो गया, यानी चुंबकीय शक्ति खत्म हो गई। तो ऐसा क्यों है कि जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं जैसे पेंचकस हैं तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक डोमेन्स होते हैं ये अलग अलग दिशाओं में बिखरे रहते हैं, लेकिन जब इसको किसी दो चुंबकों के बीच में रखा जाता है तो ये एक ही लाइन में हो जाते हैं और ये चुंबकीय बन जाता है। और अब दोबारा ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं तो फिर इन मैग्नेटिक डोमेन्स की दिशा बदल जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि रिंग मैग्नेट के साथ ही हम इसको कर सकते हैं, ये मेरे पास एक सिंपल मैग्नेट है तो जब मैं पेंचकस को इसके ऊपर रगड़ती हूँ तो ये मैग्नेटाइज हो गया। और अब दोबारा से मैं अपने इस चुंबक को उल्टा कर दूंगी तो ऑपोजिट साइड पे मैं इसको टच नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आगे पीछे ही लेकर जा रही हूँ। और इसके बाद दोबारा इसको मैं नीडल के पास लेके आई हूँ तो ये डीमैग्नेटाइज हो गया। तो बच्चों आप भी अपना मैग्नेटाइजर और डीमैग्नेटाइजर बनाइए। थैंक यू।